जैसा आप जानते हैं कि पंचायत चुनावों की जो तिथि थी वो फरवरी 2021 में आगे चुनाव होने थे, क्योंकि फरवरी 2021 में ख़त्म हो गई थी टेन्योर, लेकिन कोविड के और कुछ अन्य कारणों की वजह से फार्मर्स एजिटेशन थी और सब चीज़ें थी, वो नहीं हो पाए थे। कुछ मुद्दों को लेके कुछ पार्टियां ऑनरेबल हाईकोर्ट में गई हुई हैं, उनमें से विशेषतः एक मुद्दा तो है विमेन के लिए जो रिजर्वेशन की गई है वो 50% की गई है, लेकिन उनको वार्ड वाइज सॉरी ब्लॉक वाइज कर दिया कि ओड ब्लॉक्स में और इवन ब्लॉक्स में, जो ओड में जिनके लिए रिजर्वेशन है वो इवन में नहीं लड़ सकते। इस मुद्दे को लेके कुछ महिला संस्थान गए हुए हैं कोर्ट में, उसकी 18 जनवरी डेट लगी हुई है 2022। इसी तरह और जो पिटीशंस थी वो भी, और हमें उम्मीद है कि अगली तारीख पे इसका फैसला हो जाएगा तो हमारे लिए चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। सर, पहले पंचायत चुनाव या नगर परिषद चुनाव होने की उम्मीद है? अभी देखिए, नगर परिषद के चुनाव को लेके भी कुछ लोग कोर्ट्स में गए हुए हैं, तो ये तो मुनस्सर करता है इस बात पर कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से फैसला कब तक आता है, लेकिन करवाने सूनर और लेटर दोनों ही करवाने हैं। अभी तिथि के बारे में जब तक मामला कोर्ट में, मैं निश्चित रूप से नहीं कुछ कह पाऊंगा। हमने जो मशीनें प्रोक्योर करनी थी वो हम मशीनें अपने यहाँ से चुनाव करने से पहले जाने नहीं देंगे, वो हम नहीं भेजेंगे, वो हमारे पास ही रहेंगी, क्योंकि आपको पता है ये M2 टाइप मशीनें हैं, और जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में M3 वाली मशीनें यूज़ होती हैं, तो ये मशीनें तो सिर्फ जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, उसी में यूज़ होती हैं। तो हमने राजस्थान से, गुजरात से और अलग अलग स्टेट से मंगवाई हैं। यहाँ पे मुझे बताया गया कि गुजरात से आई हैं मशीनें, और पंच के चूँकि मल्टी पोस्ट होती हैं, बहुत सारे पंच होते हैं एक गाँव में, 5 से लेके और 12-15 तक, तो वो बैलेट बॉक्सेज के थ्रू होंगे, बैलेट पेपर के थ्रू होंगे। देखिए, जो डेमोक्रेसी का सही प्रिंसिपल तो यही है, हर आदमी को वोट का अधिकार मिले, वो अपनी वोट का इस्तेमाल करे, लेकिन दो जगह भी नहीं वोट हो तो इसके लिए तो आवश्यकता है, क्योंकि जो आधार से लिंक के साथ बहुत सी समस्याएं हैं, और भी जो चीज़ें हैं, सब्सिडी में जो मिसयूज था या राशन में मिसयूज था, वो सब चीज़ें भी कंट्रोल हो रही हैं, तो ये भी बुराई अगर इससे दूर हो जाए तो अच्छी बात है। सर, तैयारियों और ट्रेनिंग की बात करें तो सब पूरी हो चुका है? नहीं, ट्रेनिंग तो देखिए वैसे तो हर चुनाव में ट्रेनिंग होती है, और मोस्टली जो हमारा अमला होता है, कार्य स्टाफ होता है, वही होता है, लेकिन फिर भी जब चुनाव अनाउंस होंगे और शेड्यूल के हिसाब से, उस समय फिर ट्रेनिंग दोबारा से होती है। मास्टर ट्रेनर आते हैं EVMs के लिए, और फिर वो कुछ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो आगे स्टाफ की ट्रेनिंग होती है। और फील्ड में जाने से पहले, बूथों में जाने से पहले आपने देखा होगा बड़ा भारी कैंप लगता है, और फिर हर एक पार्टी को कम से कम 2 आदमियों को EVM खुद से ऑपरेट कर आवश्यकता है, क्योंकि जो आधार से लिंक के साथ बहुत सी समस्याएं हैं, और भी जो चीज़ें हैं, सब्सिडी में जो मिसयूज था या राशन में मिसयूज था, वो सब चीज़ें भी कंट्रोल हो रही हैं, तो ये भी बुराई अगर इससे दूर हो जाए तो अच्छी बात है। सर, तैयारियों और ट्रेनिंग की बात करें तो सब पूरी हो चुका है? नहीं, ट्रेनिंग तो देखिए वैसे तो हर चुनाव में ट्रेनिंग होती है, और मोस्टली जो हमारा अमला होता है, कार्य स्टाफ होता है, वही होता है, लेकिन फिर भी जब चुनाव अनाउंस होंगे और शेड्यूल के हिसाब से, उस समय फिर ट्रेनिंग दोबारा से होती है। मास्टर ट्रेनर आते हैं EVMs के लिए, और फिर वो कुछ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो आगे स्टाफ की ट्रेनिंग होती है। और फील्ड में जाने से पहले, बूथों में जाने से पहले आपने देखा होगा बड़ा भारी कैंप लगता है, और फिर हर एक पार्टी को कम से कम 2 आदमियों को EVM खुद से ऑपरेट करनी, जब तक ना वो कर ले तब तक वो पार्टी